अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस, आप लोगों को वेलकम है मेरे चैनल पे। तो गाइस, सबसे पहले जो है, आप लोग जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे वाला कमेंट करें। और गाइस, इसके अलावा मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सभी के लिंक्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लें। तीसरी बात हम करेंगे नोट्स की। गाइज, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप, मैं अली फोटोकॉपी सेंटर का नंबर आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नोट्स में डील नहीं करता बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं होता। तो गाइज, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है आज सेकेंड ईयर का, तो ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इस पर टाइम भी लग जाएगा। तो मेरी कोशिश होगी कि वीडियो की लेंथ छोटी ही रहे, ज़्यादा बड़ी ना हो। आपके पास टाइम कम है, लंबी लंबी वीडियोस देखेंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा। एनीवे, चैप्टर 9 है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन अर्ली हिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अच्छी तरह पढ़ लें बस इसको। आफ्टर दैट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपके सामने आंसर है, आप इसको एज इट इज कर सकते हैं। गिव टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक फ्यूज रिंग्स होती हैं और एक सेपरेट रिंग्स होती हैं। तो ये भी आसान है, ये भी आप इधर से ही कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज रूल्ड आउट बाई KMnO4। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे तरीके से करिएगा। कि इसमें ख़ास तौर पर आपने जिस चीज़ का ख्याल करना है वो है इसके डीकलराइजेशन। KMnO4 का जब हम रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन के साथ, तो इसको डीकलराइज नहीं करना चाहिए। तो अगर बेंजीन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, इट मस्ट डीकलराइज बेयर्स रिएजेंट। लेकिन एक्चुअली ये उसको डीकलराइज नहीं करता, इट डिड नॉट डीकलराइज KMnO4, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड नहीं है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है हमेशा साइक्लिक होना चाहिए। अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। गाइज, आगे 5वां क्वेश्चन है, बेंजीन गिव्स ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, वाइल इट्स सो कॉल्ड स्ट्रेट चेन शो थ्री मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स जस्टिफाई। कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। गाइज, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, व्हाट वाज कैकुलेस थ्योरी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, हाउ डिड ही सपोर्ट हिज थ्योरी। मतलब सिंपल, आपने कैकुलेस फार्मूला को जस्टिफाई करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप अच्छे तरीके से कर लें। ये इसके दो पॉइंट्स हैं, एक में ये एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, दूसरा ये कि अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की बात करें तो तीन प्रोड्यूस करता है, ऑर्थोमेटा एंड पैरा। बेंजीन गिव्स ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, वाइल थ्री डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो गाइज, इसके भी आंसर में यही लिखना है जो हमने पहले पढ़ा, तो ये आंसर आपके सामने क्वाइट ईजी है, इसको भी आप एज इट इज कर लें, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ कैकुलेट कन्फर्म दैट बेंजीन कंटेन्स थ्री अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स इन अ स्ट्रक्चर। अब गाइज, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, या फिर इस क्वेश्चन के पूछे जाने का एक और स्टाइल है, वो ये है कि जस्टिफाई द अनसेचूरेटेड करैक्टर ऑफ बेंजीन। ये अनसेचुरेटेड करैक्टर कैसे जस्टिफाई करते हैं, या फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करके पूछा जा सकता है, वो है डिस्क्राइब एनी टू एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। गाइज, ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से करना है। तो ये दो रिएक्शन है, एक हाइड्रोजिनेशन होती है इसकी और एक हैलोजिनेशन, ये दोनों एडिशन रिएक्शन है, और एडिशन रिएक्शन से ही पता चलता है कि बेंजीन अनसेचुरेटेड करेक्टर शो करता है। अच्छा गाइज, व्हाट आवर मेजर ऑब्जेक्शंस टू कैलकुलेट स्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। कैलकुलेट स्ट्रक्चर्स की जो ऑब्जेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज, अब इससे आगे चलते हैं, हाउ द ऑब्जेक्शंस टू कैलकुलेट स्ट्रक्चर। अब मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदरवाइज ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज़ मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला, और इसका ओवरऑल ये आंसर आपके सामने है। अच्छा गाइज, तो हाउ द ऑब्जेक्शन कैकुले बेंजीन स्ट्रक्चर वर रिमूव्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब कैकुले स्ट्रक्चर की जो ऑब्जेक्शन थी उनको रिमूव कैसे किया गया, मॉडर्न रिसर्चर्स ने उस पर क्या काम किया तो उसको रिमूव किया। तो इसके अलावा, क्लास बेंजीन इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्टेबल मॉलिक्यूल, वाई, या फिर जस्टिफाई द स्टेटमेंट, और या फिर कहते हैं कि बेंजीन हैज़ डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, वाई, एक्सप्लेन, यहाँ और नहीं आना। अच्छा गाइस, तो ये क्वेश्चन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी आप अच्छे तरीके से करेंगे।
तो उसके बाद मेरा कंप्यूटर सो गया। अभी मेरा कंप्यूटर जागेगा तो फिर हम आगे वापस चलेंगे। जी, जाग गया मेरा कंप्यूटर, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय रेजोनेंस एनर्जी फॉर बेंजीन। बेंजीन के लिए रेजोनेंस एनर्जी निकालने को इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। रेजोनेंस एनर्जी की डिफाइन करें ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैलकुलेट स्ट्रक्चर अबाउट बेंजीन वाज एमिटेड मोर और एज कम्पेयर टू डाइवर्स स्ट्रक्चर, नहीं ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो गाइज अब इससे आगे चलते हैं, हाउ साइक्लोहेक्सेन इज कन्वर्टेड टू बेंजीन और हाउ बेंजीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन। अब इसकी प्रेपरेशन जितनी भी है सबका सब अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये इजी है, ये आप कर लें। उसके बाद है ये एसिटाइलिन, ये बेसिकली यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आया है, गलती से मिस्टेक हो गई, इसलिए गलती से मिस्टेक हो गई इस वजह से यहाँ पर इथीन लिखा गया है। तो ये डबल बॉन्ड नहीं, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसको करेक्ट कर लें। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे तरीके से करना है। तो अल्केन्स से बेंजीन कैसे प्रिपेयर होती है उसके लिए भी ये देख लें, ये रिएक्शन दिए हुए हैं, सिंपल है। तो बेंजीन जो होती है साल्ट्स और बेंजोइक एसिड से कैसे प्रिपेयर होती है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद कोई इतने ये इंपॉर्टेंट है इस सेंस में भी हैं कि इनमें से लॉन्ग आ जाता है, ये चारों पांचों मिला के लॉन्ग में आ जाते हैं। हाउ बेंजीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोल बाय रिडक्शन और हाउ फिनोल इज कन्वर्टेड टू बेंजीन। लो जी, रिडक्शन से कैसे प्रिपेयर होता है फिनोल की, और फिनोल को हम बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और गाइज, सल्फोनिक एसिड का जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं वो भी बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। हाउ अल्काइल बेंजीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्रोमो बेंजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये वाला क्वेश्चन, इसको आपने ज़रा बहुत 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 अच्छे तरीके से करना है। दिस इज़ अ मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, स्पेशली वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये फिटिंग नहीं है, अक्सर लोग से वो फिटिंग लिख देते हैं, फिटिंग है। तो अब ये जब ब्रोमो बेंजीन कन्वर्ट होती है अल्काइल बेंजीन में, बेसिकली ये बेंजीन के मैन्युफैक्चर का रिएक्शन नहीं है, इससे बेसिकली अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं या अल्काइल बेंजीन्स बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन डज नॉट अलाउ वीक इलेक्ट्रोफाइल्स टू अटैक वाई, और बेंजीन रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स टू गिव रिएक्टिविटी वाई, और सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिक्वायर्स अ स्ट्रेट रिक्वायर्स अ कैटलिस्ट दैट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल वाई। का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अच्छे तरीके से करना है। इलेक्ट्रोफाइल के डबल ई लिखा गया, मेरे से ई इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये ले हम सही कर लेते हैं इसको। अच्छा गाइज, उसके बाद हेलोजिनेशन है, ये भी शॉर्ट में आ सकती है लेकिन लेकिन इसका ज़्यादा चांस लॉन्ग में होता है हेलोजिनेशन का। इसको तो मैं थोड़ा सही करूँ, ये ऊपर चला गया, अब ठीक है, इसको थोड़ा सेंट्रलाइज कर दें हम। ओ, मेरा बात नहीं है, ये तो बात ही नहीं मान रहा, हम भी बात मना के छोड़ेंगे इसको, हम भी पाकिस्तानी हैं। ये गाइस यहाँ देखें, यहाँ पर जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज मेंट बाय नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन और हाउ बेंजीन इज कन्वर्टेड टू नाइट्रो बेंजीन और हाउ नाइट्रो बेंजीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकिन बहुत आसान है, तो हेयर इट इज़ द आंसर। अच्छा, उसके बाद सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन ज़्यादातर इसका लॉन्ग में चांस होता है, इसका डायरेक्ट मैकेनिज्म वगैरह हर चीज़ आपने करनी है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी ज़्यादा इसका चांस जो होता है लॉन्ग में होता है, तो ये भी इतना नीचे आया हुआ है, इसको भी हम ऊपर भगाते हैं थोड़ा सा, ये ऊपर भाग गया, इसको भी थोड़ा सेंट्रलाइज कर देते हैं, ये लें जी सेंट्रलाइज, ये आ गया। अच्छा गाइस, आगे है जी एसाइलेशन, एसाइलेशन भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़्यादा इसका लॉन्ग में चांस होता है, शॉर्ट का चांस इनका कम ही है गाइस, इनको बस इधर से ऐसे कर लें। गिव एनी टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोई भी लिख सकते हैं आप, ये चारों सब्स्टिट्यूशन इनमें से कोई दो लिख दें आप, तो हेयर दे आर। अच्छा, उसके बाद है हाउ बेंजीन इज रिड्यूस्ड टू साइक्लोहेक्सेन। गाइस ये एडिशन रिएक्शन हैं बेसिकली, ये हम भी पीछे शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हुए हैं। अच्छा, उसके बाद मैलिक एसिड या मैलिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है, तो ये सिंपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासतौर पर इसका जो कैटलिस्ट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। अच्छा, उसके बाद है इससे हम बेंजीन से ग्लाइऑक्सल कैसे बनते हैं, तो सिंपल ओजोनोलाइसिस करवा के इसकी, तो बेंजीन ट्राईओजोनाइट बनता है जो कि नेक्स्ट फिर कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइऑक्सल में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, हाउ अल्काइल बेंजीन्स आर ट्रीटेड विद एरोमेटिक एटॉमिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 फॉर सोल्यूशन इट प्रोड्यूसेस बेंजोइक एसिड। अब क्वेश्चन ये है कि बेंजोइक एसिड कैसे बनता है अल्काइल बेंजीन से, या हम अल्काइल बेंजीन की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो गाइज ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रिएक्शन भी एज इट इज़ आपने करना है। टोलिन का रिएक्शन है और इथाइल बेंजीन का रिएक्शन है, कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताएं जी बेंजीन के, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसकी, एक तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है, दूसरा जो है वो साइड चेन रिएक्शन। तो साइड चेन रिएक्शन जो है उसमें वही मैलिक एनहाइड्राइड बनता है, साइड चेन रिएक्शन में वही KMnO4 के साथ रिएक्शन है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो है
इसके अंदर गाइस जो है वो मैलिक एसिड बनता है, तो ये पहले हम पढ़ चुके हुए हैं। 35 पे है नाइट्रो ग्रुप व्हेन अटैच्ड ऑन बेंजीन एक्ट एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप व्हाइल क्लोरीन बिहेव एज ऑर्थो। तो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से करना है। अच्छा, व्हाट इज मेंट बाय डी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन बेंजीन, ये सिंपल डेफिनेशन ये नहीं पूछी जाती लेकिन कर लें, आसान है। कंपेयर द रिएक्टिव एल्केन एल्कीन एंड बेंजीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसको एज इट इज़ आपने करना है। इनको पैराग्राफ्स की सूरत में भी आप लिख सकते हैं, लाजमी नहीं था आप टेबल बना के लिखें, बिकॉज टेबल बना के लिखेंगे तो आपके पेज पर बिल्कुल स्पेस नहीं रहेगी और वो खिचड़ी सी पक जाएगी तो वो ख़राब हो जाएगा काम। तो बेटर है आप इसको ऊपर नीचे पैराग्राफ्स की सूरत में लिख दें। तो गाइज हियर इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। तो अब ये जो है एक क्वेश्चन जो है वो है कि जो बेंजीन होती है वो टोलीन से कम रिएक्टिव होती है, क्लोरोबेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर आप खुद करेंगे, मैं कोई नहीं बताने तुने वाला, कुछ थोड़ा खुद भी काम कर लें कि सर कुछ मैंने ही करवाना है। तो गाइज हम इस चैप्टर को यहाँ क्लोज़ करते हैं, आप ये आज का दिन ये शॉर्ट क्वेश्चंस करें चैप्टर 9 के, तो इससे नेक्स्ट जो वीडियो है चैप्टर 9 के मैं लॉन्ग क्वेश्चंस बताने वाला हूँ इससे अगली वीडियो में। बाकी गाइज ये है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें, अच्छे वाला कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और इसका लिंक जो है सारे के सारे जो दोस्त हैं उनके अंदर जो आप शेयर करें इसका, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाए। बाकी गाइज मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेज हैं, अल्लाह करे आप लोगों के बड़े अच्छे मार्क्स हैं, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।